हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस परवीन फूड साला। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस फूड जिसका नाम है पालक पनीर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे मेरे साथ। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक प्याज रफली चॉप्ड, पनीर 200 ग्राम अप्रॉक्स, एक बंच पालक क्लीन कर लिया है, एक मीडियम टोमेटो रफली चॉप्ड, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून गोटा जीरा, 4 to 5 क्लोव्स गार्लिक रफली चॉप्ड, 1/2 to 1 इंच जिंजर रफली चॉप्ड, 2 ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 स्पून गरम मसाला, 2 to 3 टेबल स्पून दही एंड सॉल्ट टेस्ट अनुसार। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। पानी गर्म हो गई है, अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डालकर इसे थोड़ा पानी में इस तरह से डिप कर देंगे। याद रखिए फ्रेंड, इसे बॉयल नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा पानी में पका लें, 50 to 60 सेकेंड मैक्सिमम। और हमने ये कोरिएंडर लीव्स लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे, इसके साथ ये भी गर्म होगा। अब देखिए ये 50 सेकेंड्स हो गए हैं, चलिए इसे निकाल लेते हैं पानी से। इसे बॉयल नहीं करना है इसलिए इसे निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आइए तब तक हम दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये पैन रख दिया, स्टोव ऑन कर लेते हैं। इसमें ऑयल डाल देंगे, तेल पे ये जीरा डाल देंगे, जीरा थोड़ा गर्म हो जाए इस पे, ये गार्लिक और ये जिंजर और चिली। अब ये ऑनियन भी इसमें डाल देंगे, अब हल्का सा इसे ट्रांसलूसेंट होने देंगे। अब देखिए ये ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो अब इसमें हम टोमेटो डाल देंगे। अब ये टमाटर को भी 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो अब हम स्टोव बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस तरह से करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये पालक अब ठंडा हो गया है, तो इसे हम इस जार में डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला भी ठंडा हो चुका है, तो इसे भी हम सेम जार में निकाल लेंगे। देखिए जिस जार में मैंने पालक निकाला, इसी जार में इसे भी निकाल लेंगे ताकि दोनों को साथ में ग्राइंड कर लें। तो देखिए ये सेम जार में निकाल लिया इसे। आइए ग्राइंड करने से पहले इसमें 1 टेबल स्पून पानी दे देंगे ताकि ये पेस्ट ज़्यादा थिक ना हो। तो देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार, अब हम इसका लास्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेम पैन लिया है, गैस ऑन कर लेंगे। आप चाहे तो दूसरा पैन ले सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल दें इसमें और ये पेस्ट को इसमें डाल देंगे। अब ये पाउडर मसाला जो हमने लिया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे सारा, और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब 2 मिनट इसे पकने दें। 2 मिनट हो गया है, अब इसमें हम पनीर मिक्स कर देंगे और पनीर ये क्यूब्स में
इस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो आइए इसमें दही ऐड करते हैं। दही को अच्छे से फेंट लीजिए। तो ये इस तरह से स्मूथ हो गया। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे हम मिक्स कर देंगे, कितनी अच्छी कलर आई है। इसे थोड़ा दही को अच्छे से पालक में मिक्स कर दें। तो देखिए ये दही अच्छे से मिक्स हो गया हमारा। अब इसे मीडियम फ्लेम में ढककर 2 से 3 मिनट पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड चेक करते हैं, 3 मिनट हो गई है। ये देखिए हमारा पालक पनीर रेडी, रेडी टू ईट। तो चलिए फिर इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा पालक पनीर तैयार, कितने झटपट बनता है ये। तो आप भी इसे बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।